एक न एक खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबरों से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। समस्त देशवासियों को पत्रकारों की ओर से हैप्पी दिवाली। जी हाँ, घर का कोई कोना ना कहीं खाली हो। जी हाँ, हर कोने में दौलत भरी हुई हो। दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जो पत्रकार यानी चौथा स्तंभ कहलाते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनका भी सम्मान करिए। चूँकि पत्रकार अगर निराश हो जाएंगे तो देश में जो छुपी हुई भावनाएं हैं उनको उजागर कौन करेगा। मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ कि पत्रकारों का शोषण ना किया जाए। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, दीपावली के इस पावन अवसर पर कृपया पत्रकारों का भी सम्मान करें। पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, पत्रकार आखिर पत्रकार ही होता है। आपके हर दुख सुख में काम आता है, आपकी हर वो आवाज़ बुलंद करता है जिस आवाज़ के लिए पब्लिक परेशान होती है, और किसी तरह की कुरीतियाँ होती हैं उनको भी पत्रकार उजागर करता है। तो सभी देशवासियों से, शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि कृपया पत्रकारों का भी सम्मान करें। पत्रकार भी आखिर पत्रकार होते हैं, वो आपकी जो भी दुख सुख की बात होती है उसको मानते हैं, उसको सुनते हैं। अब चाहे पत्रकार राजधानी दिल्ली का हो या पत्रकार किसी स्टेट का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, किसी भी तरह का, क्योंकि कोरोना एक ऐसा अब आजकल वो चल रहा है जिसमें हर जगह की बात को सिर्फ पत्रकार ही उजागर करते हैं। तो मेरा निवेदन फिर है आपसे कि दीपों के इस त्यौहार यानी दीपावली पर कृपया पत्रकारों का भी विशेष ध्यान रखें। पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, आखिर पत्रकार ही कहलाता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी तरह की पत्रकारों के बारे में, हाँ ये मैं मानता हूँ कि पत्रकारों की जांच शासन प्रशासन के लिए अनिवार्य है। आप पत्रकारों का कार्ड देखिए, सब कुछ देखिए, तब जाकर उनकी जांच कीजिए, और कुछ उनको जांच के बाद जो है, हमेशा कोई भी परेशानी किसी तरह की होती है एक पत्रकार की, तो शासन प्रशासन का ये दायित्व होता है कि पत्रकार की मदद करे, ना कि उसका शोषण करे। पत्रकार आखिर पत्रकार होते हैं, चाहे छोटे हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, पत्रकार आखिर पत्रकार होते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि पत्रकारों को जो भी हो सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, हर वर्ग का कोई भी पत्रकार, किसी भी चैनल का हो, किसी भी पेपर का हो, किसी अखबार का हो, वो अपना हर मामले का संयम बरतता है और जो भी बात करता है वो ठीक ही पत्रकार लिखता है, उस खतरे को झेलता है और हर खतरनाक जगह पर भी जाकर जनता के लिए वो न्यूज़ खोजता रहता है सवेरे से शाम तक। चाहे उसको भूख प्यास की भी परवाह नहीं होती, लेकिन वो यही चाहता है कि जो भी हम दिखाएं जनता के लिए वो जरूरी हो, चीज़ ज़रूर दिखाएं। तो पत्रकारों की भी एक इमेज ऐसी है जो खतरे से खाली नहीं है। हर जगह पत्रकार जाता है, खुशी में भी जाता है, गम में भी जाता है। तो मेरा अनुरोध है शासन से कि कृपया पत्रकारों का हर तरह से सहयोग करें। जी हाँ, पत्रकार जो है, हर तरह के पत्रकार होते हैं, बड़े चैनल के भी होते हैं, छोटे चैनल के भी होते हैं, पत्रिका के भी होते हैं और पेपर के भी होते हैं। जो भी पत्रकार है
आखिर पत्रकार तो होता है ना, तो चौथा स्तंभ कहलाता है। तो हर वर्ग से, प्रशासन के हर अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि पत्रकारों का ध्यान रखें, पत्रकारों का सम्मान करें। यदि पत्रकार की किसी तरह की कोई परेशानी आ भी रही है तो पहले उसको थोड़ा सा समझा दें कि आप थोड़ा संयम बरतें, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप उसका चेकअप कर सकते हैं, आप उसको हर तरह से देखभाल सकते हैं। मैं इदरीस जेके, टीवी न्यूज़ इंडिया का पत्रकार, आप सभी जो भी दर्शक देखने वाले हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया पत्रकारों का सम्मान करें। ये दीपावली भी एक अजीब दीपावली है। जी हाँ, COVID-19 की दीपावली है। हर एक आदमी इसमें संकल्प ले रहा है, कोई पटाखे ना छोड़ने का संकल्प ले रहा है, कोई आदमी किसी गलत चीज़ को छोड़ने का संकल्प ले रहा है, कोई वाइन छोड़ने का संकल्प ले रहा है, कोई गुटखा छोड़ने का, क्योंकि कोरोना ये आप देख रहे हैं, मास्क हमारे लिए ज़िंदगी भर में लग गया है। मास्क ही एक बचाव है, और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि एक जगह बैठे किसी तरह का कोई भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस जगह को पहले सैनिटाइज कराएं। सैनिटाइज कराने के बाद वहाँ पर बैठने के लिए सबको अलग अलग बताएं, क्योंकि अब आप हम इस जब देश में रहते हैं तो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सोशल मीडिया का भी, हर तरह की चीज़, आप खाने का, पीने का, हर चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। तो आप जानबूझकर कोई ऐसी गलती ना करें जिसे आपको उसका खामियाना भुगतना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये सब होली की जो भी बातें होती हैं होली पर ही कही जाती हैं, लेकिन अब चूंकि आज दिवाली है तो हम दिवाली पर भी एक वर्ण कर रहे हैं कि सभी देशवासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि लॉकडाउन, हर तरह की देखभाल, और ज़्यादातर लोग बाग जो हैं मास्क पहने, क्योंकि मास्क ही एक हमारी बचाव है। आप ये ना समझे कि साहब मैं मास्क नहीं पहनूंगा, तो ये मास्क अपने लिए है, अपने लिए मास्क है। आप जो भी सेफ्टी रख कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे आप। तो इस सेफ्टी को देखते हुए आए संयम बरतें और दीपावली का आनंद लें, और सभी को गले मिलकर इस दीपावली की शुभकामनाएं दें। अड़ोस पड़ोस में देखें कि किसी तरह का कोई ऐसा परिवार जो दीपावली में ना कुछ कर सकता हो, उसके घर किसी तरह का अंधेरा हो, उसके घर भी दीप जलाएं, उसको भी चाय पर बुलाएं, खाने पर बुलाएं, और जो भी किसी चीज़ की कमी है उसके घर में जाकर देखें और उसकी कमी को पूरा करें। आपकी इतनी कृपा होगी, क्योंकि जो नाव का खेवैया है वो हमारा देश है, वो हमारा भारत है, जिसके हम नागरिक हैं, उसमें किसान भी रहते हैं, हर वर्ग रहता है। चूँकि किसान ही जो फसलों को उगाता है, अन्नदाता कहलाता है, और इतनी मेहनत करता है, हमें खाने पीने की चीज़ उन्हीं के द्वारा मिलती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, मैं अपने गुरुजी को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करूँगा। Thank you.